भारतीय संविधान दिवस पर निबंध प्रस्तावना। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस को व्यापक रूप से 1949 में भारत के संविधान को अपनाने के लिए छब्बीस नवंबर की तारीख को मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। और तब से नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। संविधान का इतिहास। भारत का संविधान दिवस पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया। जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर की एक सौ पच्चीसवीं जयंती भी थी।
भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान। किसी और के योगदान से कहीं ज्यादा है। वह संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान के प्रारूपण में उनकी जबरदस्त मेहनत ने उन्हें संविधान का पिता भी बना दिया। इसलिए भारत सरकार ने नवंबर 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस संबंध में एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना नवंबर 2015 को जारी की गई थी। संविधान दिवस का महत्व। संविधान भारत के लोगों के लिए सर्वोच्च दस्तावेज है। इसलिए यह बहुत महत्व रखता है।
इसके अलावा संविधान दिवस मनाकर लोगों को न केवल संविधान के महत्व का एहसास होता है, बल्कि B.R. अंबेडकर के साथ ही साथ महापुरुषों को भी याद करने का मौका मिलता है। निष्कर्ष। संविधान दिवस मनाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा एक स्वागत योग्य निर्णय था। यह न केवल संविधान को अपनाने का स्मरण कराता है, बल्कि उन लोगों का भी सम्मान करता है जो इसे तैयार करने के श्रम साध्य कार्य में शामिल थे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहें। बाय बाय।